Assalamualaikum friends, welcome to my academy. तो फ्रेंड्स, आज हम पाइथन पेंडास ट्यूटोरियल्स की सीरीज़ के अंदर एक और वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं। ये है हमारी पाइथन पेंडास ट्यूटोरियल्स की वीडियो नंबर 4। आज की वीडियो में हम पेंडास के अंदर जो डेटा फ्रेम है उसकी इंडेक्सिंग देखेंगे। तो फ्रेंड्स, इसी तरीके से आज की वीडियो में हम एक्सप्लोर करेंगे एडवांस इंडेक्सिंग। जिस तरह हमारे पास एडवांस इंडेक्सिंग में होती है मल्टी इंडेक्सिंग, और इसी तरीके से हायरार्किकल इंडेक्सिंग। आज की वीडियो में हम मल्टी इंडेक्सिंग एंड हायरार्किकल इंडेक्सिंग देखेंगे, क्योंकि हमने अपनी प्रीवियस वीडियो के अंदर फोकस किया था सिर्फ और सिर्फ सिलेक्शन के ऊपर, कि हम किस तरीके से डेटा फ्रेम्स की वैल्यू को सेलेक्ट कर सकते हैं, और इसी तरीके से हमने सिलेक्शन के डिफरेंट मेथड देखे थे। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम डेटा फ्रेम के इंडेक्सिंग को एक्सप्लोर करते हैं। तो आइए उसे देखने के लिए चलते हैं हम अपनी जुपिटर नोटबुक के अंदर। तो फ्रेंड्स, हम आ चुके हैं अपनी जुपिटर नोटबुक के अंदर। तो हमने यहाँ पर पहले से ही कुछ कोड टाइप किया हुआ है, जिसके अंदर हमने यहाँ पर सबसे पहले तो इंपोर्ट किया हुआ है नंपाई को एज अ एनपी, और इसी तरीके से हमने यहाँ पर पांडास को इंपोर्ट किया हुआ है एज अ पीडी। उसके बाद अब हमने यहाँ पर कुछ डेटा फ्रेम के लिए सबसे पहले तो हमने यहाँ पर लेबल क्रिएट किया है। लेबल के अंदर हमने यहाँ पर लिस्ट पास की है, जिसके अंदर हमारे पास यहाँ पर एलिमेंट है ए बी सी डी। और इसी तरीके से जो हमारे पास डेटा फ्रेम है उसके अंदर हमने डेटा लेने के लिए सबसे पहले तो एक एरे क्रिएट की है। हमने यहाँ पर एनपी डॉट अरेंज की मदद से एक एरे क्रिएट की, जिसके एलिमेंट होंगे 1 से लेकर 16 तक। और उसके बाद अब हमने यहाँ पर इस एरे को रीशेप किया, हमने यहाँ पर 4x4 के अंदर इस एरे को रीशेप किया है। रीशेप करने के बाद आइए अब हम यहाँ पर देख लेते हैं कि हमारी एरे किस तरीके से डिस्प्ले हो रही है। तो हम यहाँ पर सिंपल प्रिंट करवा देते हैं ARR। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारी एरे कुछ इस तरीके से डिस्प्ले हो रही है। उसके बाद अब हमने यहाँ पर एक डेटा फ्रेम क्रिएट किया है DF के नेम से। हमने कहा है DF इक्वल्स टू PD डॉट डेटा फ्रेम। डेटा फ्रेम के अंदर हमने यहाँ पर सिंपल पास कर दी है ये वाली एरे एज अ डेटा के तौर पर, और इसी तरीके से हमने यहाँ पर इंडेक्स के अंदर पास कर दिए हैं इसके लेबल। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पर लेबल हैं, हमने यहाँ पर ये पास कर दिए हैं, ठीक है। उसके बाद हमने यहाँ पर इसके अंदर डेटा फ्रेम के अंदर कॉलम्स को सेट किया है। कॉलम्स के अंदर हमने यहाँ पर वैल्यू दी है WXY एंड Z। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से हमारे पास यहाँ पर जो डेटा फ्रेम है कुछ इस तरीके से डिस्प्ले हो रहा है। तो फ्रेंड्स, आइए अब हम यहाँ पर सबसे पहले देख लेते हैं कि हम किस तरीके से अपने डेटा फ्रेम्स के जो इंडेक्सिंग है उसको सेट और रीसेट कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर सबसे पहले तो अपने डेटा फ्रेम के इंडेक्स को रीसेट कर देते हैं। तो हम यहाँ पर कहते हैं df.reset। हम यहाँ पर सबसे पहले चेक कर लेते हैं रीसेट इंडेक्स। तो आइए अब हम यहाँ पर इसे रन कर लेते हैं। जैसे ही रन किया तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पर हमारे डेटा फ्रेम के इंडेक्सेस रीसेट हो चुके हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पर हमारे डेटा फ्रेम के पहले इंडेक्सेस थे ABCD, लेकिन हमने यहाँ पर इस डेटा फ्रेम के इंडेक्स को रीसेट कर दिया है थ्रू रीसेट अंडरस्कोर इंडेक्स के फंक्शन की मदद से। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पर हमारे डेटा फ्रेम के अंदर इंडेक्सेस आ रहे हैं 0, 1, 2, 3। तो फ्रेंड्स, अगर इसी तरीके से हम चाहें तो हम इसके अंदर कोई और इंडेक्सेस भी सेट कर सकते हैं। हम यहाँ पर इसके इंडेक्सेस सेट करेंगे, हम चाहते हैं कि जो हमारे पास यहाँ पर जो कॉलम Z है, हम यहाँ पर जो भी वैल्यूज़ हैं ये इसके इंडेक्स के अंदर सेट करें, तो हम यहाँ पर वो भी कर सकते हैं। तो उसके लिए हम यहाँ पर सबसे पहले टाइप करते हैं df.setIndex। हमने यहाँ पर set_index का फंक्शन को यूज़ किया है, और इसके बाद अब हम यहाँ पर इसके पैरामीटर में पास कर देते हैं z_index। तो आइए अब हम यहाँ पर सबसे पहले रन करते हैं। जैसे ही रन किया तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पर जो हमारा z कॉलम है वो कन्वर्ट हो चुका है इंडेक्स के अंदर। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पर इंडेक्स के अंदर डिस्प्ले हो रहा 4, 8, 12, 16। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से अगर आप किसी भी डेटा फ्रेम के कॉलम को कन्वर्ट करना चाहते हैं इंडेक्स के अंदर, तो आप सिंपल set_index के फंक्शन की मदद से उसे कन्वर्ट कर सकते हैं। आप यहाँ पर set_index के फंक्शन के अंदर आप सिंपल जो आपके कॉलम का नेम है आप वो टाइप कर देंगे, ठीक है। इसी तरीके से अगर आप यहाँ पर अपने इंडेक्स के अंदर कोई भी वैल्यू सेट करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर सिंपल वो भी पास कर देंगे। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से हमने सीख लिया कि हम किस तरीके से अपने डेटा फ्रेम के इंडेक्स को सेट कर सकते हैं और रीसेट कर सकते हैं। तो आइए अब हम यहाँ पर अपने डेटा फ्रेम की इंडेक्सिंग देख लेते हैं। हम यहाँ पर देखेंगे मल्टी एंड हायरार्किकल इंडेक्सिंग। तो हम यहाँ पर एक एग्जांपल के अंदर इन दोनों को कवर कर लेंगे। तो उसके लिए हम यहाँ पर सबसे पहले तो एक डेटा फ्रेम क्रिएट करते हैं। तो हम यहाँ पर सबसे पहले एक डेटा फ्रेम क्रिएट करने के लिए उसके कुछ इंडेक्स सेट करते हैं। तो हम यहाँ पर कहते हैं आउटसाइड इक्वल्स टू, और इसके बाद अब हम यहाँ पर इसके अंदर लिस्ट पास करते हैं a1, a1, a1। इसी तरीके से अब हम यहाँ पर इसके अंदर 3 और एलिमेंट ले लेते हैं। हम कहते हैं b1, b1, b1।
तो फ्रेंड्स इस तरीके से हमने यहाँ पर एक आउटसाइड के नेम से एक वेरिएबल लिया है जिसके अंदर हमने यहाँ पर एक लिस्ट पास कर दी है जिसके अंदर हमारे पास एलिमेंट है A1 और B1। हमारे पास यहाँ पर A1 भी 3 times आ रहा है और B1 भी 3 times आ रहा है। बेसिकली ये हमारा आउटसाइड इंडेक्स होगा। इसी तरीके से अब हम यहाँ पर इनसाइड इंडेक्स लेंगे क्योंकि हम यहाँ पर अपने इंडेक्स के 2 levels सेट करेंगे। तो हम यहाँ पर कहते हैं इनसाइड और इसके बाद अब हम यहाँ पर इनसाइड के अंदर वैल्यूज पास कर देते हैं। तो हम कहते हैं 1, 2, 3, 1, 2, 3। तो फ्रेंड्स इस तरीके से हमने यहाँ पर आउटसाइड और इनसाइड के नेम से एक वेरिएबल लिए हैं जिसके अंदर जो हमारा आउटसाइड वाला जो वेरिएबल है उसके अंदर हमारे पास जो हमारे डेटा फ्रेम है उसके आउटसाइड का जो इंडेक्स है वो सेट होगा। इसी तरीके से हमने यहाँ पर इनसाइड का एक वेरिएबल लिया है जिसके अंदर जो हमारे डेटा फ्रेम के जो इनसाइड के, इसका मतलब क्या है कि जो आउटसाइड से अंदर जो हमारे जो इनसाइड के जो इंडेक्स होंगे वो सेट होंगे। तो फ्रेंड्स अब हम यहाँ पर सबसे पहले तो एक वेरिएबल ले लेते हैं। हम यहाँ पर कहते हैं HIR_index। हमने यहाँ पर हेरेरिकल की शॉर्ट फॉर्म के अंदर लिखा है HIR_index। और अब हमें यहाँ पर सबसे पहला काम ये करना है कि हमें इन दोनों इंडेक्सेस को मर्ज करना है। मर्ज करने के लिए हमारे पास यहाँ पर लिस्ट के अंदर एक मेथड होता है। तो हमने यहाँ पर सबसे पहले तो टाइप के लिए है लिस्ट और इसके बाद अब हम यहाँ पर लिस्ट के अंदर यूज़ करते हैं जिप का मेथड। तो हम यहाँ पर जिप के मेथड की मदद से यहाँ पर सबसे पहले तो पास कर देते हैं आउटसाइड और इसके बाद अब हम यहाँ पर इसमें पास कर देते हैं इनसाइड। तो आइए अब हम यहाँ पर सबसे पहले तो अपने हेरेरिकल इंडेक्स को डिस्प्ले करवा लेते हैं। तो हमने यहाँ पर सिंपल टाइप किया HIR_index। तो जैसे ही रन किया तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पर ये दोनों लिस्ट मर्ज हो चुकी है। तो फ्रेंड्स आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो हमारे पास आउटसाइड लिस्ट का फर्स्ट एलिमेंट है वो इनसाइड लिस्ट के फर्स्ट एलिमेंट के साथ मर्ज हो चुका है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पर एक नई लिस्ट जनरेट हो चुकी है कुछ इस तरीके से। तो अब हम यहाँ पर इस लिस्ट को कन्वर्ट करेंगे मल्टी इंडेक्स के अंदर। तो हम यहाँ पर सिंपल कह देते हैं HIR_index इक्वल्स टू। तो फ्रेंड्स इसके बाद हम पेंडास का बिल्ट इन फंक्शन यूज़ करेंगे। तो हम यहाँ पर सिंपल टाइप करते हैं pd.multiindex। मल्टी इंडेक्स के बाद अब हम यहाँ पर टाइप करते हैं फॉर्म टूपल्स। तो फ्रेंड्स इसके बाद अब हम यहाँ पर जो हमारा HIR_index नाम का वेरिएबल है हम वो पास कर देते हैं। तो हमने यहाँ पर सिंपल टाइप कर दिया है HIR_index। तो आइए अब हम यहाँ पर सबसे पहले HIR_index को डिस्प्ले करवा लेते हैं। तो जैसे हमने यहाँ पर इसे रन किया तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पर कुछ इस तरीके से हमारे इंडेक्स डिस्प्ले हो रहे हैं। तो फ्रेंड्स आप हम यहाँ पर देख सकते हैं कि अब कितने वेल फॉर्मेटेड वे के अंदर हमारे पास ये इंडेक्स डिस्प्ले हो रहे हैं। तो फ्रेंड बेसिकली हमारे पास यहाँ पर ये बन चुके हैं मल्टी इंडेक्स। तो आइए अब हम यहाँ पर सबसे पहले तो आप डेटा ले लेते हैं। कुछ डेटा लेने के लिए अब हम यहाँ पर एक काम करते हैं। सबसे पहले तो एक ARR के नेम से एक वेरिएबल लेते हैं और इसके बाद अब हम यहाँ पर कहते हैं np.random। हम यहाँ पर रैंडम मॉड्यूल के अंदर रेंड एन का फंक्शन यूज़ करेंगे। तो हमने यहाँ पर सिंपल टाइप कर दिया है रेंड एन के फंक्शन के अंदर। अब हम यहाँ पर सबसे पहले तो इसकी शेप बता देते हैं। तो अब हम यहाँ पर चाहते हैं कि जो हमारे पास डेटा फ्रेम है उसके अंदर 6 rows हों और 2 columns हों। तो आइए अब हम यहाँ पर सबसे पहले तो ARR को डिस्प्ले करवा लेते हैं। तो फ्रेंड्स आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पर एरे का डेटा कुछ इस तरीके से डिस्प्ले है। तो आइए अब हम यहाँ पर सबसे पहले तो डेटा फ्रेम क्रिएट कर लेते हैं। तो हम यहाँ पर डेटा फ्रेम को स्टोर करेंगे df नाम के वेरिएबल में। तो हम यहाँ पर कहते हैं pd.dataframe। हम यहाँ पर डेटा फ्रेम के अंदर सबसे पहले तो पास करते हैं डेटा। हमें यहाँ पर डेटा क्या लेना है, अब हम यहाँ पर डेटा में लेना है जो हमारे पास ARR के अंदर कुछ वैल्यूज स्टोर हैं वो ले लेते हैं। तो अब हम यहाँ पर इसके इंडेक्स में ले लेते हैं जो हमने यहाँ पर HIR_index के अंदर मल्टी इंडेक्सिंग की है उसे ले लेते हैं। तो हम यहाँ पर कहते हैं HIR_index और इसके बाद अब हम यहाँ पर इसके कॉलम्स के अंदर कुछ वैल्यू सेट कर देते हैं। तो हम यहाँ पर वैल्यू सेट कर देते हैं Y और Z। तो आइए अब हम यहाँ पर सबसे पहले तो अपने डेटा फ्रेम को डिस्प्ले करवा लेते हैं। तो जैसे ही रन किया तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पर कुछ इस तरीके से हमारा डेटा फ्रेम डिस्प्ले हो रहा है। तो अब हम यहाँ पर सबसे पहला काम तो ये करेंगे कि जो हमारे पास यहाँ पर डेटा फ्रेम के इंडेक्स हैं उनके नेम सेट कर देते हैं। तो हम यहाँ पर कहते हैं df.index.names। अब हम यहाँ पर नेम्स के अंदर सबसे पहले तो लिस्ट पास करते हैं। तो अब हम यहाँ पर सबसे पहले जो हमारा आउटर इंडेक्स है A1 और B1 उसको नेम दे देते हैं। हम यहाँ पर इसे नेम दे देते हैं ग्रुप। इसी तरीके से जो हमारे पास यहाँ पर इनर इंडेक्स है जो आप देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पर है 1, 2, 3। अब हम इसे नेम दे देते हैं। तो अब हम यहाँ पर इसे नेम देते हैं नम या नंबर। तो आइए अब हम यहाँ पर सबसे पहले तो अपने डेटा फ्रेम को डिस्प्ले करवा लेते हैं। तो हम यहाँ पर रन करते हैं df को। तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पर हमारे डेटा फ्रेम के इंडेक्सेस के नेम सेट हो चुके हैं। तो फ्रेंड्स अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पर जो हमारा डेटा फ्रेम है वो बेटर वे से डिस्प्ले हो रहा है। अब क्वेश्चन ये अराइज होता है कि अब हम यहाँ पर जो हमारा डेटा फ्रेम है उसकी वैल्यूज़ को किस तरीके से एक्सेस कर सकते हैं, क्योंकि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पर मल्टी इंडेक्सिंग है। मल्टी इंडेक्सिंग का मतलब क्या है कि हमारे पास यहाँ पर ये कुछ इंडेक्सिंग इसकी हो चुकी है कॉम्प्लिकेटेड। तो आइए अब हम यहाँ पर देखते हैं कि हम किस तरीके से डेटा फ्रेम की वैल्यूज़ को एक्सेस कर सकते हैं।
हमारे पास यहाँ पर इस डेटा फ्रेम की वैल्यूज को एक्सेस करने के दो मेथड हैं। फर्स्ट मेथड तो ये हम यहाँ पर सिंपल जो LOC जहाँ हमें मालूम है कि LOC की मदद से हम रोज को सेलेक्ट कर सकते हैं, उसकी मदद से हम यहाँ पर अपने इस डेटा फ्रेम की वैल्यूज को सेलेक्ट करेंगे। तो अब हम यहाँ पर सबसे पहले टाइप कर देते हैं df.loc। LOC के अंदर अब हम यहाँ पर सबसे पहले तो जो हमारा आउटर इंडेक्स है हम उसका नेम टाइप करते हैं। हम यहाँ पर चाहते हैं कि जो हमारा A1 इंडेक्स है वो सेलेक्ट हो, तो हमने यहाँ पर सिंपल टाइप कर दिया है A1। तो आइए अब हम यहाँ पर सबसे पहले से रन करते हैं। जैसे ही रन किया तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पर जो कंप्लीट A1 है वो डिस्प्ले हो रहा है। तो फ्रेंड्स अब हम आ चुके हैं नंबर वाली इंडेक्स के अंदर। अब हम यहाँ पर सबसे पहले तो इसे ये बताएंगे कि हमें कौन सी वैल्यू को या कौन सी रो को एक्सेस करना है। अब आप देख सकते हैं कि अब हम यहाँ पर मौजूद हैं नंबर वाले इंडेक्स के अंदर, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर डिस्प्ले हो रहा है नंबर। अब हम चाहते हैं कि जो हमारे यहाँ पर रो नंबर 2 है वो डिस्प्ले हो, तो हम यहाँ पर सिंपल टाइप करेंगे .loc। LOC के बाद अब हम यहाँ पर इसका इंडेक्स का नेम बताएंगे। हमारे पास यहाँ पर इसका इंडेक्स का नेम है 2, तो हम यहाँ पर सिंपल टाइप कर देते हैं 2। तो आइए इसे रन करते हैं। तो आप फ्रेंड जैसे ही रन किया तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पर जो हमारा A1 जो हमारे पास आउटर इंडेक्स है उसके अंदर जो इनर इंडेक्स है नंबर उसकी जो सेकेंड रो है वो डिस्प्ले हो रही है। तो फ्रेंड्स इसी तरीके से आप यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं B1 की वैल्यूज भी। मैं आपको यहाँ पर B1 की भी एक एग्जांपल करके दिखा देता हूँ। मैं यहाँ पर सबसे पहले तो टाइप करता हूँ df.loc। LOC के अंदर मैं ये बताता हूँ कि जो मेरे पास यहाँ पर जो B1 है आपने वो रो सेलेक्ट करनी है। हमारे पास यहाँ पर B1 के नेम से 3 रोज हैं, तो हम यहाँ पर सिंपल टाइप कर देते हैं B1 और इसके बाद इसे रन करते हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पर B1 रो डिस्प्ले हो रही है। इसके बाद हमारे पास यहाँ पर B1 के अंदर एक और लेयर है नंबर की। अब हम यहाँ पर इसके अंदर नंबर की इंडेक्सिंग बताते हैं, तो हम यहाँ पर कहते हैं LOC। तो अब हम यहाँ पर LOC के अंदर बताते हैं कि जो हमारे पास नंबर का जो इंडेक्स नंबर 2 है उसकी वैल्यू डिस्प्ले हो, तो हम यहाँ पर सिंपल टाइप कर देंगे हमारे इंडेक्स का नेम, हमारे नंबर के इंडेक्स का नेम है 2, तो हमने यहाँ पर सिंपल पास कर दिया है 2। तो जैसे ही रन किया तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पर जो हमारी सेकंड रो के अंदर वैल्यूज हैं वो डिस्प्ले हो रही हैं। तो फ्रेंड्स इस तरीके से मल्टी इंडेक्सिंग के अंदर अपने डेटा फ्रेम्स के रोज या कॉलम्स को सेलेक्ट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स आपने यहाँ पर एक बात नोट की कि हमें यहाँ पर कितनी कन्फ्यूजन हो रही है, कितना डिफिकल्ट है हमें यहाँ पर इसे सेट करना। सबसे पहले तो हम यहाँ पर अपने आउटर इंडेक्स का नेम बता रहे हैं और उसके बाद हम अपने इनर इंडेक्स के जो रोज हैं उसका नेम बता रहे हैं। इसके सोल्यूशन के अंदर हमारे पास एक फंक्शन है एक्सेस। एक्सेस का मतलब होता है क्रॉस सेक्शन। अब हम यहाँ पर क्रॉस सेक्शन का फंक्शन यूज करना सीखते हैं, तो हम यहाँ पर सिंपल टाइप करते हैं df.access। एक्सेस के अंदर सबसे पहले तो हम यहाँ पर जो हमारा आउटर इंडेक्स है उसका नेम बता देते हैं। हमारे पास यहाँ पर आउटर इंडेक्स का नेम क्या है A1, हम यहाँ पर सिंपल टाइप कर देते हैं A1। तो फ्रेंड जैसे ही रन किया तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पर कंप्लीट इंडेक्स डिस्प्ले हो रहा है। इसी तरीके से अब हम यहाँ पर इसी लिस्ट के अंदर अब हम यहाँ पर ये बता देते हैं कि अब हम यहाँ पर कौन सा इंडेक्स सेलेक्ट करना है। अब हमें यहाँ पर इंडेक्स सेलेक्ट करना है 1। तो जैसे ही रन किया तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पर इंडेक्स 1 सेलेक्ट हो चुका है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर एक्सेस का सबसे अच्छा और यूजफुल फीचर ये है कि हम यहाँ पर आउटर इंडेक्स और इनर इंडेक्स में जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम यहाँ पर सबसे पहले तो जो हमारे इनर इंडेक्स का नेम है हम यहाँ पर सिंपल वो बता देंगे। फॉर एग्जांपल हमारे पास यहाँ पर इनर इंडेक्स का नेम है 2, अब हम यहाँ पर सेलेक्ट कर लेते हैं 2 और इसके बाद अब हम यहाँ पर इसके अंदर सिंपल लेवल बता देते हैं कि हमारा जो इंडेक्स है कौन से लेवल के ऊपर मौजूद है। लेवल से मुराद ये कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पर इस इंडेक्स का नेम है नंबर, तो हम यहाँ पर सिंपल लेवल में टाइप कर देंगे नंबर। तो हम यहाँ पर कहते हैं लेवल इक्वल्स टू और इसके बाद अब हम यहाँ पर इसमें टाइप कर देते हैं नंबर। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमें कोई कंसर्न नहीं है कि हमारे पास आउटर इंडेक्स कितने हैं और इनर इंडेक्स कितने हैं। हम यहाँ पर जो सिंपल जो हमारे इंडेक्स की रो है हम सिंपल उसका नेम टाइप कर देंगे। नेम टाइप करने के बाद हम यहाँ पर सिंपल ये बताएंगे कि हमारे इंडेक्स का नेम क्या है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमने यहाँ पर सबसे पहले तो रो की नेम बताया, हम यहाँ पर सेलेक्ट करना चाहते हैं 2, तो इसी वजह से हमारे पास यहाँ पर हमने रो का नेम टाइप किया है 2 और इसके बाद हमने यहाँ पर इसका लेवल बता दिया। लेवल के अंदर हम यहाँ पर सेलेक्ट करना चाहते हैं नंबर को, तो इसी वजह से हमने यहाँ पर सिंपल टाइप कर दिया है लेवल इक्वल्स टू नंबर। तो आइए इसे रन करते हैं। जैसे ही रन किया तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पर वैल्यूज डिस्प्ले हो रही हैं। तो फ्रेंड्स आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पर 2 रोज डिस्प्ले हो रही हैं। 2 रोज इस वजह से डिस्प्ले हो रही हैं क्योंकि हमारे पास यहाँ पर डेटा फ्रेम के अंदर जो रोज का नेम है वो 2 है। 2 है 2 टाइम्स, तो आप देख सकते हैं कि A1 के अंदर भी 2 है और B1 के अंदर भी 2 है, तो इसी वजह से यहाँ पर इसने A1 के 2 को भी सेलेक्ट किया और B1 के 2 को भी सेलेक्ट किया। तो फ्रेंड्स इस तरीके से हमारे पास मल्टी इंडेक्सिंग वर्क करती है। तो फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी और समझ आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक लाजमी कीजिएगा और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल के आइकन पर लाजमी क्लिक कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड्स, बाय बाय।